बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दी 100 लीग की फ्रेंचाइज वेल्च फायर के कोच माइक हसी ने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ से उम्मीदें बांध ली। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, साबिक आस्ट्रेलवी क्रिकेटर माइक हसी ने 2 साल बाद दोबारा दी 100 लीग की मारूफ फ्रेंचाइज वेल्च फायर में वापसी की। इन्होंने ड्राफ्टिंग में हिस्सा लिया और 2 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी को 1 लाख यूरो यानी 2,76,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रुपयों में, जबकि हारिस रऊफ 60,000 पाउंड यानी 22,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रुपयों की ज़ेर कीमत पर मुंतखब किए गए। दोस्तों, इस बॉलिंग जोड़ी ने हाल ही में लाहौर कलंदर की दूसरी टाइटल जीतने में अहम किरदार अदा किया और फाइनल में शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ साबिक खिलाड़ियों को शिकस्त दी। दोस्तों, माइक हसी ने कहा कि शाहीन और हारिस मैच विनर खिलाड़ी हैं, बिलाशुबा दोनों का एक बॉलिंग यूनिट में होना दिलचस्प होगा। मुझे उम्मीद है कि हम नई गेंद के साथ हरीफ टीम पर दबाव बढ़ाने के काबिल होंगे। दोस्तों, वाज़े रहे कि टूर्नामेंट का आगाज 1 अगस्त के पहले हफ्ते में होगा, जबकि इवेंट का फाइनल 27 अगस्त को खेला जाएगा। दोस्तों, अगर आप शाहीन और हारिस रऊफ के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।